बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आप देख सकते हैं खदशत कोई भी नहीं कराया, ना तोतों का दाना लेकर आया हूँ। अभी मैंने सोचा तोतों का दाना ले आऊँ, पर अब्बू जी की आवाज़ आ रही है, कोई उन्होंने को भी कोई काम शाम होगा। आज बहुत ज़्यादा काम है, खदशत तो रहने देनी है आज इंशाल्लाह ना। ये देख सकते हैं लाइटें नहीं लगी भाई साहब। तो वार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल, इन्होंने भी लाइटें लगा लिया, इन्होंने भी लाइटें लगा लिया, और अभी तक और किसी ने भी नहीं लगाई। इन्होंने कल की लगाई, इन्होंने भी कल की लगाई हैं, पर अभी तक जलाई नहीं है। तो अभी मैं ये ऊपर कपड़े सूखने डालने आया था, तो अभी चलते हैं नीचे, तोतों का दाना लेकर आते हैं। और ये दो बच्चे देख रहे हैं ना, ये साथ जाने के लिए तैयार है मेरे। इन्हें पता चल गया ना, ब्लॉग में मैंने बोल दिया, उन्हें आवाज़ आ गई, अभी इन्होंने मेरे पीछे 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 रहना। तो अभी अब्बू जी की बात जाकर सुनते हैं, अब्बू जी क्या फरमाते हैं। यार ये इनसे छुपा कर रखे गए थे खिलौने, तो ये फिर बखेरी जा रहा। चल एडम चले, बाहर नहीं जाना। इसने एक निकाल लिया, फिर ये नीचे ना लड़ाई करते हैं सालिया के साथ, इसलिए हमने इधर छुपा कर ऊपर रखे हैं खिलौने। छोटा सा काम था वो, मैं फारिया अरहम तीन बंदे कर कर आए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ तोतों का दाना लेने। अरहम गायब है, ये फारिया, ये फारिया और अरहम वो बैठे हैं। मैंने इन्हें कहा बैग पर ही बैठे, मैं शौक से ज़रा दाना ले लूँ, छाऊँ में ज़रा खड़े हैं, गर्मी है ना, अभी रश लगा है। चीना हो गया, बस सूरजमुखी रह गई है। चिड़ियों के लिए आया था, चिड़ियों का बाल में ले लेंगे। अभी फिलहाल तोतों का लेना, तोते दो दिन से भूखे हैं, भूखे तो नहीं है। खैर मैंने उन्हें फिंच का दाना डाल दिया था। फारिया और अरहम बैठे हैं, सही है, सुकून से, टेंशन नहीं। जिधर होते ना तो इन्होंने तंग करना था। हेलो, 500 रुपये बाकी भरना है। 500 रुपये था, कितने रुपये किलो है, कितने रुपये किलो है वैसे दाना? 170। Yo, this somebody he put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me and go. अभी स्कूल वालों को छुट्टी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी चलते हैं घर, भाई साहब दाना बड़ा महंगा हो गया। अभी हम रुके हैं फारी और अरहम ने ना, ये रास्ते में बकरे आए थे नज़र, तो इन्होंने देखने, ये मेरा दाना खाने लगे। ओ पहले भाई बड़ा महंगा हो गया दाना, भूखे लगता। तो चले फारिया, हाँ चलो फारिया ने टांग किधर रख ली। बाय 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 बाय। मुझे लगता है भाई साहब तोते सेल करने पड़ने हैं, क्योंकि तोतों का दाना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, और वो खाते भी ज़्यादा हैं। फिंच का और तोतों का एक ही रेट पर पहले मैं लेकर आया था, दोनों का बराबर लेकर आया था, पर फिंच का अभी भी है और तोतों का भी नहीं है, तो इसलिए तोते मुझे लगता है सेल करने पड़ने, जितना रेट इनका हो गया। मैं 140 रुपये किलो लेकर आया था दाना, और आज 170 रुपये किलो। अभी सर्दी आई नहीं, अभी आनी है। तोतों का दाना लेकर आया हूँ, तो मेरे अब्बा जी ने कहा आप फ्री घूम फिर रहे हो, तो इधर आओ कपड़े प्रेस करो। मेरे अब्बू जी ने कहीं जाना था, तो उनके कपड़े मैं प्रेस कर रहा हूँ। कपड़े प्रेस कर अगला मिशन देखते हैं कौन सा। बाकी यार अभी तक मेरा इधर दर्द हो रही है, कि वो तोतों के दानों का रेट सुनकर यार बहुत बहुत महंगा हुआ, एकदम से महंगा हुआ। अभी सर्दी नहीं आई, सर्दी आई तो फिर क्या होगा। पहले लगाएंगे पानी, कपड़ा ना इग्नोर करो, फिर लगाएंगे इस्त्री फुल कर देनी है, तो ला कपड़े जल जाए। मेरे बजी ने मुझे कितना फर्क है, इस्त्री भी ना बस अल्लाह ही हाफिज। पर गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, ये कपड़ों का जनाजा निकाल देना इसमें। ये अभी मैंने ऑन ही किया, तो ये देखो कपड़ा सूख भी गया। ये 1 2 3 स्मेल आने लगी पड़ी। क्या कह रहे हो, क्या कहना उन्होंने? जो अगला काम आ गया लगता, कपड़े प्रेस हो गए हैं, अब अगला काम सुनते हैं अम्मी जी से। फारिया क्या कह रहे थे दादू, दादू क्या कह रहे थे, कौन सा काम कह रहे थे?
बता दे मुझे इधर ही। झूठ बोला तूने। 6 बज गए, मैं वो कपड़े प्रेस कर कर आया हूँ ना, सो गया। अब उठा, खाना खुना खाया, अब लाइटें लगा दी। पहले तो लाइटें ढूंढनी पड़ेगी ना। ये कूलर है, इसके अंदर ही हमने कबार खाना बनाया। इधर फालतू सामान, ये जो इलेक्ट्रिशियन का पड़ा होता है ना, वो पड़ा होता है। ये मिल गया, इसके ऊपर लाइट लगाएंगे। ये वाली कलरफुल, लास्ट टाइम मैं लेकर आया था। ठीक है, एक ये भी मिल गया। फारिया ये पकड़ो, फारिया मेरे साथ हेल्प करवाएगी। और तो सारी बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी। और भी दे दे। बस मेरे ख्याल से और देखते हैं क्या चीज चाहिए। चलो, लाइटें तो मिल गई हैं, पता नहीं अब चलती हैं कि नहीं चलती। अगर नहीं चलेगी तो नहीं लानी पड़ेगी, चलेगी तो चलेगी। सबको लगा कर चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये पंखा साइड पर करूँ ना, ये पंखा थोड़ा उधर कर देते हैं, और ये स्विच लगा, और ये डायरेक्ट है। तो एक एक लगा कर चेक करते हैं, जो सही होगी उसे साइड पर करता जाऊँगा, जो नहीं सही होगी उसे साइड पर। लाइटें सारी चेक कर ली हैं, एक दो दो लाइटें ख़राब निकली हैं, बाकी लाइटें सही हैं। ये लगाते हैं, अगर तो सारी लग गई तो जगह बच गई तो हम ले आएंगे, नहीं तो फिर इन्हें ही एडजस्ट कर कर लगा देंगे। नेक्स्ट टाइम न्यू लेकर आएँ। जब भी हम लाइटें लगाने लगते हैं ना, तो तब भी हम ये सोचते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम न्यू, नेक्स्ट टाइम न्यू, पर न्यू नहीं लेकर आते। वही ये ख़राब हो तो फिर ही बंदा न्यू लेकर आए, घर वाले लेकर ही नहीं देंगे। तो बाकी खैर, इस बार 2 कम हो गई हैं, अब देखते हैं क्या सीन है, इन्हें पूरा करते हैं। तो ये एक साइड ये हो गई वाइट, ग्रीन, ब्लू। ये जो है ये मल्टी है, ये वाली ख़राब निकली है। एक और थी इधर, पता नहीं वो किधर, यार हम भी आया ना, इसने पता नहीं इधर उधर कर दी है कहीं। लाइटें सारी ऑन हो गई हैं, ये एक नहीं बस ये पूरी जल रही। ये देखा, ये वाइट वायर निकली है। अब जो भी हाल लगाएगा वो ज़रा एक बार वो भी जल जाएगा। बाकी ये भी जल गई, वो भी ये भी जल रही जलड़ी 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 जलड़ी। इस बार लाइटें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। सामने वालों ने भी ऑन कर ली, ये देखें इन्होंने ऑन नहीं की, पता नहीं अभी इन्होंने लगता है ये वाली वायर जो होती है ना वो नहीं लगाई। वैसे बस लाइटें लगा कर बच्चे ने चले गए। तो बाकी ये हमारा ये भी सही है, ठीक हो गया। ये वाली लाइट ख़राब है, एक वो ख़राब है, और एक अरहम साहब ने ख़राब करके ये फेंक दी। एक ये उसने ख़राब की है, पर वो जलने के काबिल है, जल रही है। जलने लग पड़ी, मुझे लगा ख़राब होगी, फौरन बहुत ज़ोर से घुमाई। फिर यही था कि वीडियो में से क्लिप डिलीट करना था और जाकर न्यू ले आना था, समझ तो गए ही होंगे आप। ऊपर से तो डन हो गए, नीचे देखने से इस तरह लग रहा है ये जरा इसने मजा आ गया ये वाला लगा कर। मुझे तो भूल ही गया था, फारिया ने याद करा दी। अब नीचे जाकर देखते हैं और ये लाइटें जो है ना ये सेट करते हैं। नीचे से इस तरह लग रही है लाइटें, ये देख। एक साइड तो ये बेल की वजह से खाली है, अगर ये बेल ना आना हो, पिछले दिनों ये टूट भी गई थी, फिर अभी ऊपर चली गई है। अब इधर सारी लाइटें लगी हो, कितने कमाल के लगे। चलो खैर, ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का,
कल का मैं लेटा था जिम गया हूँ, जिम से वापस आया हूँ अब कंप्यूटर ऑन किया वीडियो एडिट करने के लिए, और लाइटें देखने आया था लाइटें अपनी। ओके ये सब पीछे वाले ने दिखा दिया बिल बाहर, तो अभी मैं बाहर लेने जा रहा हूँ 2 नान 1 बर्गर। Cheers.